हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। फ्रेंड्स, आज इस एपिसोड में हम गीता का एक श्लोक लेंगे। वो श्लोक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि गीता में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो कि आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, आपस में एक दूसरे को काटते हुए मालूम पड़ते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला है तो वो तो सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं, मगर जब स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, एक दूसरे को काटते हुए लगते हैं, तो भ्रम की स्थिति पैदा होती है। और ये भ्रम अधिकतर लोगों को है, उन लोगों को जो गीता की व्याख्या भी कर रहे हैं, गीता के बारे में ज्ञान भी दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे कर रहे हैं, मगर जिनको अनुभव है तो उनके लिए तो उनके सारे वचन ठीक हैं, करेक्ट हैं, उनके अनुभव से करेक्ट हैं। मगर यदि गीता को ऊपर ऊपर से पढ़ा जाए सिर्फ, या बिना चिंतन मनन या बिना अनुभव के, बिना आत्मज्ञान के उसको उसकी व्याख्या पढ़ी जाए, तो एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो ये खासकर सृष्टि के संबंध में है कृष्ण जी के वचन, और जो स्टेटमेंट्स हैं, जो श्लोक हैं, वो काफी मिस्टीरियस, रहस्यमय मालूम पड़ते हैं, काफी एनिग्मेटिक है। सृष्टि के संबंध में बहुत सारे श्लोक मिल जाएंगे जिसके अंदर भगवान बोलते हैं कि इस सृष्टि का अध्यक्ष, पूरी प्रकृति का अध्यक्ष मैं हूं, ये मुझसे ही पूरी सृष्टि है, और सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब मैं ही हूं। ये एक बात हो गई। और फिर नवे अध्याय में श्लोक 4 और 5 में, मैं उन श्लोक का हिंदी अनुवाद अभी पढ़ता हूँ, उसमें भगवान बोलते हैं कि पूरी सृष्टि मुझ में नहीं है और मैं इस पूरी सृष्टि में नहीं हूँ। और ये बोलते हैं कि ये मैं बहुत गूढ़ बात बता रहा हूँ अर्जुन, कि पूरी सृष्टि मुझ में नहीं है और मैं सृष्टि में नहीं हूँ, जबकि बाकी श्लोकों में उन्होंने यही बोला कि पूरी सृष्टि का रचयिता मैं हूँ। रचयिता बोला कि अध्यक्ष बोल रहे हैं अपने आप को। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे योगिक साइंस के माध्यम से, शर्मा जी से, कि ये इन श्लोकों के माध्यम से कृष्ण जी आखिर पूरी बात क्या क्या कहना चाह रहे हैं, और जब वो कहते हैं कि पूरी सृष्टि मुझसे है, मैं ही पूरी सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही अध्यक्ष हूँ, तो इस श्लोक का इसका अर्थ क्या है, और जब वो ये कहते हैं कि पूरी सृष्टि मुझ में नहीं है, मुझ में स्थित नहीं है और मैं सृष्टि में स्थित नहीं हूँ, तो इसका क्या मतलब है। मैं अध्याय 9 का श्लोक 4 और 5 का हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ ताकि बात बिल्कुल समझ में आ जाए कि उन श्लोकों का अर्थ क्या है। 4th श्लोक है, यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग अथवा सामर्थ्य को देख, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। ये अध्याय नंबर 9
का चौथा और पांचवें सूत्र का हिंदी अनुवाद। तो शर्मा जी, मैं योगिक सांस के माध्यम से आपके द्वारा ये स्पष्ट करवाना चाहता हूं कि इस श्लोक का योगिक साइंस की दृष्टि से क्या अर्थ है। योगिक साइंस के आधार पर इनको अगर देखें और इनको समझने का प्रयास करें, जो श्री कृष्ण भगवान जी गीता में कह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, मगर कहे तो वो सही रहे। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जगत जो है मुझ में स्थित है फिर नहीं है। तो ये दो बातें कर रहे हैं, इस पे पहले बात कर लेते हैं कि जब एक जगत, जैसे एक उदाहरण के तौर पर बहुत सारे संत महात्मा जो देते हैं कि एक बीज है, तो बीज में ये बात हम बाहर से जानते हैं कि ये जो बीज है आम का बीज है, और इसमें बोने से इसमें आम का पौधा बनेगा, फिर इसमें आम लगेंगे, ये बात हम जानते हैं। मगर बीज नहीं जानता, क्योंकि बीज अपने बीज वाले जगत में, और ये जो पेड़ वाला जगत है उसका बीज का, ये उसमें सूक्ष्म होकर के स्मृति रूप है, ये उसका दूसरा जगत है। तो ये जगत वो नहीं जानता, बीज नहीं जानता, वो तो हमें ही पता है। तो ऐसे ही ये स्थिति कहाँ आती, जब ये बात करते हैं इस बात की, स्मृति की आती बात, तो ये जो बिंदु की बात करते हम या केंद्र की बात करते हैं श्री कृष्ण भगवान जी, कि जब कोई बिंदु में चीज होती है तो वो बिंदु वाले जगत में होती है, वहां एक बिंदु जगत है, और बिंदु जगत को हम नहीं जानते क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए। तो बिंदु जगत का, बिंदु में जो बैठा हुआ है, बिंदु केंद्र में जो है उसके, वो बिंदु वाले जगत को जानता है, मगर वो व्यापक वाले जो ये जिसका जगत का वो बिंदु जो है उस जगत का निर्माण करेगा, उस जगत को बनाएगा, ये बात वो नहीं जानता है। तो बनाने के लिए उसका एक सिस्टम है कि एक जगह से क्रमशः, जैसे हम एक कदम आगे रखते हैं और पीछे वाला आगे रखते हैं, कदम पीछे वाला तभी उठाते हैं, इसी तरीके से वो बिंदु जगत का जब निर्माण करता है, जैसे छोटा सा एक बच्चा है वो कौन सी जगत में रहता है, मगर वो धीरे धीरे मम्मी पापा दूध रोना धोना जानता, चाचा भतीजे सारा निर्माण करता चला था, जगत बनाता, कारें मोटर कार मकान बना डालता, और सारा उसके बाद में सारा जगत मर करके सारा खत्म हो जाता। तो ये चीज वो जगत का निर्माण उसने किया, वो ये चीज तो एक श्लोक में एक बात में कह रहे हैं। दूसरी बात में स्मृति की जहाँ बात करते हैं, तो स्मृति बहुत छोटी होती है, किसी चीज की भी स्मृति कितनी भी बड़ी हो, मगर स्मृति जहाँ आ जाती है तो वो अति सूक्ष्म होती है। तो इतनी सूक्ष्म होती है कि वो एक मूल केंद्र से सूक्ष्म नहीं है, मगर वो मूल केंद्र में स्थित है, मूल केंद्र में स्थित हो जाती है अति सूक्ष्म होकर के। तो जैसे जीव अति सूक्ष्म होकर के एक शरीर में हमारे स्थित है, परमात्मा अति सूक्ष्म होकर के शरीर में हमारे स्थित है, मगर हम ना तो हमें दिखाई देता, ना चीड़ फाड़ करने से भी हमें दिखाई नहीं देता, फाड़ देने से भी नहीं दिखाई देता, किसी तरीके से हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये जीव और परमात्मा की दोनों की जो स्मृति है वो है उसकी, कि जब वो कहते हैं कि मैं जगत में नहीं हूँ और जगत मुझ में नहीं है, तो वो उस बात उसकी बात करते हैं, उस मूल परमात्मा मूल की बात करते हैं, स्वरूप की बात करते हैं, और स्वरूप यहाँ है नहीं है क्योंकि यहाँ रूप है। तो स्वरूप की बात जब करते हैं तो स्वरूप की स्मृति है इनको, तो इसलिए वो प्रकट होता है स्वरूप। स्वरूप जब प्रकट होता है तब ये स्मृति जो है ये अपने आप में खत्म हो जाती है, क्योंकि स्वरूप जहाँ प्रकट हुआ तो सारे जो तामझाम हैं, जितने भी आपके जगत हैं ये हैं, सब चीजें खत्म हो जाती हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। और ये जो स्मृति भी आपकी खत्म हो जाती, जीव की भी स्मृति खत्म हो जाती है स्वरूप को प्रकट होने से। तो यह जब कृष्ण भगवान ये बात करते हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ और जगत मुझ में, तब यहाँ की बात करते हैं। तो वो तीन तरीके की जो बात करते हैं,
तो वो तीन तरीके की यही बात कर रहे हैं कि जगत कई अनेक प्रकार के हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगत है। स्तर उन्होंने जो स्तर बताए, हमने जो बताए थे कि स्तर है, क्रम है, तो वही चीज जगतों में भी वही क्रम है, वहां स्तर है कि वो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत के अंदर कौन सा कारण जगत है, कौन सा जगत है, फिर कई जगत है, तो कई जगत है, अंततः जगतों का अंत में जाकर के जीव पर जाकर के टिकेगी बात, तब जाकर के ये पता चलेगा कि ये जगत बेकार थे और ये जीव आ गया, तब जीव को देखना पड़ेगा कि जीव इस अंडे के अंदर कैसे आ गया, तो वो अंडे के अंदर जो आया गया तो इसलिए वो जीव आत्मा कहलाए क्योंकि वो अंडर कंट्रोल है, तो इसलिए वो जीव आत्मा करे, परमात्मा कंट्रोल करता है इसलिए वो परमात्मा कहा गया, वो बाहर की शक्ति है। तो उसमें और एक चीज और कृष्ण भगवान कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी जगत में जाकर के और वहां पे देख सकते हैं, तो देखो टाइमिंग अगर आपका रहेगा तो आप किसी भी जगत में टाइमिंग के साथ नहीं जा सकते, आपको टाइमिंग हटाने के लिए तीव्र गति किसी तत्वों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, तत्व आपके जब फिनिश हो जाते हैं, जब आपकी अपनी तीव्र गति जो परमात्मा की मैंने तीन गति बताई थी, अति तीव्र गति, तीव्र गति में कोई टाइम नहीं होता, तो आप किसी भी श्लोक में देख करके लोक में जाओ और जगत में देख के उस चीज को वापस आ, वो उसमें आप कर सकते हो, मगर आप सामान्य गति में और स्लो गति में तो समय का उसमें कैलकुलेशन है, समय उसमें है, आदमी अगर स्वर्ग लोक देखना चाहता है तो स्वर्ग लोक देखेगा, जैसे अभी 2021 है, आदमी मरेगा 2024 में, तो 24 में तो वो जब मरेगा तब देखेगा, मगर आज कैसे देख सकता है, ये चीज कृष्ण भगवान में थी कि वो अपनी गति को जो है बढ़ा सकते थे, इसलिए टाइमिंग खत्म हो जाती थी, टाइमिंग खत्म हो गई तब आपके लिए सारा कहीं पर भी आना जाना संभव हो सकता है, वापसी भी हो जाएगी जगतों से, तो ये चीज भी कृष्ण भगवान उसमें कह रहे हैं, ये चीज बहुत गहराई के विषय है और स्मृति जो है, स्मृति के कारण ही ये सारा संसार चल रहा है, और इसमें थोड़ा आप प्रकाश डालो साइंस की तरफ से कि या आपके मन बुद्धि चित्त में विचारों में ये कैसे स्मृति रहती है जिससे कि ये सारे प्राणी और सारे जगत में सब फंसे हुए हैं, तो इस पर थोड़ा आप भी अपने विचार व्यक्त करो। तो इंग्लिश में भी कर सकते हो जी, इंग्लिश में भी बोल सकते हो, इसमें तो अच्छा लगेगा कि जो लोग हिंदी नहीं समझते हैं इंग्लिश समझते हैं वो समझ में आ जाएगी उनको, कोई बात नहीं, भाषा तो हम इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, हिंदी भी यूज कर सकते हैं, इसपे कोई वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि किस स्थिति में वो किस चीज की बात कर रहे हैं कृष्ण जी, जब वो ये कहते हैं कि मैं पूरे प्रकृति का अध्यक्ष हूँ, है ना, जब वो ये कह रहे हैं कि मैं पूरे प्रकृति का अध्यक्ष हूँ, तो योगिक साइंस की दृष्टि से जो एक है, जो एक है, और जब वो एक के अंदर जब दो की भावना आई, है ना, चेतन की और प्रकृति की, तो जो चेतन है वो पूरी प्रकृति को कंट्रोल करता है, तो उस हाँ, तो कृष्ण जी का ये कहना कि मैं पूरे प्रकृति का अध्यक्ष हूँ, ठीक है, स्वामी हूँ, तो यहाँ पे कृष्ण जी इस चेतन शक्ति की बात कर रहे हैं, अपने आप को इस चेतन शक्ति की बात कर रहे हैं जो पूरे प्रकृति को कंट्रोल में किए हुए, वो ये जो जीव भाव है वो प्रकृति में है, जीव भाव जो है, और जीव भाव है और जीव जहां पर स्थित है, केंद्र में स्थित है जीव, वो प्रकृति के अंदर स्थित है, मगर जो वो अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष प्रकृति में नहीं है, नहीं, प्रकृति के बाहर जो चेतन शक्ति है, प्रकृति के बाहर जो है, हाँ, जो एक दो हुए हैं, ठीक है, तो दो हुए तो एक प्रकृति हुई, और प्रकृति को कंट्रोल करने वाली जो चेतन शक्ति है ना, जो चेतन शक्ति है, तो यहाँ पे इस चेतन शक्ति की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि इस चेतन शक्ति के रूप में मैं पूरे प्रकृति का अधिष्ठाता हूँ, स्वामी हूँ, अध्यक्ष हूँ,
अध्यक्ष जी। अध्यक्ष का मतलब होता है कि बड़ा, बड़ा। अध्यक्ष का मतलब अगर यहाँ से थोड़ा बड़ा, बड़ा। हम लोगों ने एपिसोड में ये पहले ही बनाया है कि अंडे के अंदर जीव जो है वो प्लस के टाइम में बहुत सारे छोटे छोटे हैं, मगर जो बाहर की तरफ एक है, सिंगल पीस, एक सिंगल पीस है, वो बड़ा है जी। वो बड़ा है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान अपने को अध्यक्ष बताते हैं तब वो परमात्मा के वहां पे पहुंचते हैं, परमात्मा के रूप में जी, तब वो अध्यक्ष हैं। तो वो अध्यक्ष इसलिए कहलाए क्योंकि वो बड़े हैं और बड़े होने के कारण वो कंट्रोलर हैं, कंट्रोलर कंट्रोलर भी हो गए, तो जी। उनके जीवन दाता सबके वो जी। ये शब्द भी आप पढ़ा था, वो सबके जीवन दाता भी हैं, प्राण दाता भी हैं, तो वो अध्यक्ष हैं। तब जब वो, अब यही आना जाने की हम बात कर रहे थे कि वो एक ऐसी स्थिति जहां पर आ जा सके और टाइम ना, टाइम वहां पर प्रभाव ना डाले, टाइम प्रभाव डालेगा तो जगत की सारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, पूरा पूरा व्यवस्था जगत की चरमरा जाएगी, इसलिए टाइमिंग वहां पर ना रहे। तो इसलिए परमात्मा ने अपनी आखिरी गति रखी जहां वो एकल हो रखा है बिल्कुल, तो वो उसमें वहां कोई टाइमिंग नहीं है उसके अंदर। दूसरी बात ये तो हो गई, जब भगवान बोलते हैं कि मैं पूरे प्रकृति का अध्यक्ष हूं, तो योगिक साइंस के हिसाब से जो ये जो परमात्मा वाली स्थिति है ना, जिसने पूरे प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है, तो वो यहाँ की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जी, दूसरी बात जब किशन जी बोलते हैं कि मैं इस जगत में नहीं हूं या पूरा ये जो जगत है ये मुझ में स्थित नहीं है, तो योगिक साइंस के हिसाब से भगवान इसमें ये कह रहे हैं अर्जुन को कि ये जो स्थितियां हैं, परमात्मा की स्थिति और प्रकृति की स्थिति एक के अंदर, वो काल्पनिक स्थिति है, वो काल्पनिक स्थिति है। तो काल्पनिक होने से, काल्पनिक होने से मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो काल्पनिक नहीं हूं, मैं तो एक हूं, रियल जिसको बोलते हैं एक, ठीक है। तो एक के अंदर ये दोनों हैं, ठीक है, मगर जब दो है काल्पनिक में है तो मैं नहीं हूं, मैं अप्रत्यक्ष हूं। जैसा आपने पहले भी एपिसोड में स्पष्ट कर चुके हो आप कि जब दो है तो एक स्पष्ट नहीं है, एक परोक्ष है, ठीक है। हाँ, ये परोक्ष। जब एक है तो दो नहीं है, ठीक है, वो दो 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 की जगह में एक प्रकट होता है, एक प्रकट होता है। जब एक प्रकट होगा तो दो नहीं रहेगा, जब दो की स्थिति होगी तो एक प्रकट नहीं है, मगर उसकी स्मृति है, उसमें स्मृति है, स्मृति तो जीवात्मा रूप में है, स्मृति तो छोटी उसमें है उसके जी, स्मृतियां तो भरी हुई है वहां पे जीवात्मा रूप में, स्मृति की वजह से वो प्रकट हो लेता है जी जी। तो स्मृति को यही कह रहे हैं कि जो कल्पना है और जो प्रकृति के अंदर मेरी स्मृति है, ठीक है, उसमें मैं नहीं हूं, एक नहीं है। उस समय वो एक की बात कर रहे हैं, है ना, एक के पोजीशन पर रख के अपने आप को बात कर रहे हैं कि मैं इस जगत में नहीं हूं, क्योंकि ये जगत काल्पनिक है और ये जगत मुझ में नहीं है, है ना, क्योंकि मुझ में होता तो ये होगा ही नहीं, सिर्फ मैं रहूंगा, जगत जगत वहां है ही नहीं, एक जगत, जगत वहां ही नहीं जी। तो या तो जगत है या फिर मैं हूं, हाँ, वहां पे जगत नहीं है। तो वहां जो, जब वो स्वरूप की बात करते हैं, हमने इसी उसे स्वरूप नाम दिया कि वो स्वरूप है, जहाँ एक की आपने बात जी। तो एक की जो जहाँ पे एक है वहाँ वो हमने स्वरूप की बात करी, मगर यहाँ जहाँ दो है वहां पे हमने जीव और परमात्मा की बात की। तो वो कृष्ण भगवान तीनों जगह की स्थिति, जो तीन तरीके के बात कर रहे हैं, तो तीन तरीके के बाद तीनों स्थिति हो गई, प्राकृतिक, परमात्मा और एक। उसमें जो एक में एक जो है वो मौजूद नहीं है वहां पे, मगर उसकी स्मृति मौजूद है। और ये स्मृति बनने और बिगड़ने की, ये दोनों परमात्मा और प्रकृति की बनने और बिगड़ने से, ये जितना भी इसमें ताम झाम बन बिगड़ रहा है, तो ये सारी एक मन बुद्धि चित्त का सारा समझौता है। तो ये भी ये जो इसकी स्मृति हमारी जगतों में बनी रहती है और हमारे प्राणों में और हमारे शरीरों में, हमारे मन में, मन बुद्धि चित्त में ये जो स्मृति बनी रहती, इसलिए हम बार बार
हम इसको जन्म लेते, हम बार बार इसको बनाते, बार बार बच्चे पैदा करते, बार बार मकान बनाते, और हम बार बार हर जगत को, हर जगत में इस तरह में सफर करते हैं, जाते हैं, तो हम यहीं के यहीं रहते हैं जी। हम यहीं के यहीं रहते हैं इसलिए क्योंकि हम बार बार बनते हुए मिटते हैं, मरते हैं। तो ये एक बुद्धि का भी ये स्मृति, ये यहाँ की ये स्मृति है, ये जगतों की स्मृति है। एक तो वो स्मृति हो गई, वो आपकी सात्विक वाली स्मृति, ये कि ये जगत की जो जितनी संरचना कल्पना है ये भी तो आपकी स्मृति है। बिल्कुल। और तीसरी बात, हाँ इसी से सारा जगत चल रहा है जी। और तीसरी बात, एक जगह भगवान श्री कृष्ण ये भी बोलते हैं कि जीव में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जब वो ये कहते हैं कि जीव के अंदर मैं ही अधियज्ञ हूँ, तो वो उसी स्मृति की बात कर रहे हैं जिसकी बात हम योगिक साइंस के माध्यम से कहते आए हैं कि जीव में जो स्मृति रूप में है ना, जो उसका उनका जो स्वरूप है स्मृति रूप में जीव के अंदर है ना, तो वो उसकी बात कर रहे हैं कि मैं स्मृति के रूप में अधियज्ञ हूँ। बिल्कुल। जीव के अंदर स्मृति तो एक की है, हाँ? उस एक की स्मृति है, स्वरूप की स्मृति है स्मृति, तो उस स्मृति को कह रहे कि मैं अधियज्ञ हूँ हर जीव में। हाँ हर जीव में है, इसी वजह से तो कनेक्ट होकर के और वो स्मृति साकार असलियत में बदल जाती है, असली वहाँ पहुंच जाता है स्मृति की वजह से। अधियज्ञ है ना वो उसमें टॉप लेवल पे है बैठी हुई वो स्मृति। कौन सी बैठी हुई? स्वरूप वाली, स्वरूप वाली स्मृति सबसे पहले नंबर पे बैठी हुई है जी। तो ये बाकी तो स्मृतियां ये सारे संसार चलाने में बाद में सारे सिस्टम में है ये व्यवस्था वाली, तो वो पहले नंबर पे जो स्मृति बैठी है, तो वो उसमें बोलते हैं कि ये जीव में हम अधियज्ञ इसलिए हैं क्योंकि हम टॉप में सबसे पहले हम ही आए थे, सबसे पहले वहां से मेरी ही स्मृति आई है क्योंकि मैं स्वरूप मैं स्वरूप हूँ और इस जीव में सबसे पहले मेरी स्मृति। तो एक में जैसे ही दो की कल्पना हुई है, जैसे ही दो की कल्पना हुई एक के अंदर, और तो प्रकृति के अंदर जो बहुत सारे जीवात्मा है तो वहीं पे वो अधियज्ञ है वहीं से। हाँ तो सबसे पहले जो स्मृति है वो एक की स्मृति है ना, क्योंकि जो काल्पनिक चीज होती है ना वो जैसे मैं आपको एक बात आपको बताता हूँ जिससे एक चीज निपट जाएगी कि जो कल्पना होती है, जैसे आप हैं, आपने कोई चीज कल्पना करी है, तो कल्पना वाली जो चीज है वो इस वक्त आपके पास है या आपसे दूर है? आपने दूर है किसी चीज दूर है जी। तो वो जो स्वरूप है, स्वरूप की जो स्थिति जो कुछ होने की है, कुछ करने की है और कुछ बनने की है और अपने को साबित करने की है, तो उसने जैसे ही वो एक काल्पनिक कल्पना करी है तो वो उससे दूर हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रकट होता है वो जी। प्रकट होता वो वहाँ है नहीं, वो दूर हो गई ना। आपने कोई गाड़ी करी तो गाड़ी तो आपके घर में नहीं है ना, गाड़ी तो अभी शोरूम में खड़ी है, तो गाड़ी तो आपसे दूर है, तो वो जो एक है वो एक कहीं है और जो ये दो हैं ये तो बहुत दूर हैं उनसे, ये बहुत दूर है, बहुत दूर हैं ये, क्योंकि कल्पना, तो जो कल्पना दूर ही होती है, कल्पना कल्पना का ओरिजिनल रूप पास में नहीं होता जी। कल्पना का ओरिजिनल स्वरूप कल्पना के, ये हमने कल्पना की तो हमारे पास नहीं होता, मैंने कोई बिजनेस की कल्पना की तो हमारे पास नहीं होता, वो बिजनेस हमारे हाथ में नहीं होता, हम नोट नहीं गिन रहे होते जी। तो हम तो हमारे से दूर होता वो, तो वो हम ये बात पहले से कह रहे हैं कि वो गहराई में है और ये सामने है, तो ये बहुत दूर है वहां से, कल्पना बहुत दूर है, मूल से कल्पना बहुत दूरी में है। तो ये चीज तो हम पहले भी एपिसोड में हम बता चुके हैं कि इसलिए वो उसे हम कल्पना कहते हैं क्योंकि वो दूर है अपने स्वरूप से, बने मूल से दूर है। ओके अब मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ इंग्लिश में। ओके ओके फ्रेंड्स, लेट मी समराइज इन इंग्लिश।
Basically, what we're talking is about the, you see, the origin of everything, okay, that is one, okay, according to yogic science, okay, one is real. Now, in this reality, the appearance of two systems, the energy of consciousness and the prakriti. And here, this is what Lord Krishna is talking about in Gita. When Krishna says, I am the controller of this whole existence, of this whole prakriti, then actually he is referring to the energy of consciousness. Okay? Because this energy of consciousness is controlling the whole prakriti, the whole existence. Right? So this is, you know, in the second position, when one becomes two in its imagination. In its imagination. This is very, very important. Okay. Two is also in imagination. Means the energy of consciousness. Okay. And the prakriti. Okay. When he says that the existence is not in me, neither I am in the existence. Existence is not me, I am not in the existence. When Lord Krishna says this, he is referring to the one, the system of one, where Krishna is original, real, one. Because in one, there is no imagination. There is no appearance of two systems or multiple systems. So what Lord Krishna is saying that in reality means in one. In reality, the existence is not in me, because in reality, there is no existence. Reality means one. There is no time. There is no sense of time or space. There is no imagination. Okay. Because the existence is always in imagination. So when Lord Krishna says, the existence is not in me, he is actually referring to the one, a system of one, the original one. The origin. In the origin, nothing exists except itself. Right? And Lord Krishna also says, I am not in the existence. When there is existence, then there is no sense of oneness. If we live with the sense of, you know, me and you, okay, consciousness, or something which is not conscious, in duality. So in duality, okay, there is no sense of oneness. Okay. So in this way, we can say that means I am not in the existence. So Krishna is saying, I am not in the existence, nor existence is in me. Okay. So this statement is being uttered by Lord Krishna when he is referring to the oneness, the system of one, right? So hopefully it must be, you know, now clear, okay, to you why Krishna says in different slokas different things, but actually he refers himself to be, you know, at one position the one energy, in the second position in the energy of two. Okay. Sometimes he says, I am adhi yagya in jivatma. Okay, it means in the jivatma, there is the remembrance, okay, memory of the oneness. Okay, so, I mean, if we consider that, okay, it means Krishna is saying, I am there, okay, in the form of memory in all the jivas. Okay, so first memory in all the multiple jivatmas in the prakriti is that of me, the original me. Okay, so in this way, I am adhiyagya in all the jivatmas. So we can understand, okay, from the yogic science point of view, all the slokas of Krishna, okay, where he refers to, you know, the energy of one or the energy of two, or
unless multiple jeevatmas. Okay, friends. So let us end this episode here. Right, in the next episode, we'll be coming up with some new topic.